नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। हूँ आपको अपना अमर भारद्वाज। आज अपने सामने खड़ी है ऑल न्यू 2023 सुजुकी वी स्टॉर्म SX250 2023 लेटेस्ट मॉडल E20 अपडेट के साथ में। अब आपको 2023 में एक बाइक देखने को मिल जाती है। ड्यूअल चैनल ABS एंड ब्लूटूथ फीचर्स आपको इस बाइक के अंदर मिल जाता है। 250 cc सेकंड के अंदर ऑफ रोडर, टूरर एंड एडवेंचर बाइक तीनों की कैटेगरी में बाइक आती है। तो आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ इस बाइक की 2023 लेटेस्ट ऑन रोड प्राइस, इस बाइक का माइलेज, इसके फीचर्स एंड इसकी टॉप स्पीड के बारे में। तो वीडियो को पूरा वॉच करिए। सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं इस बाइक की ऑन रोड प्राइस। 256,000 रुपए की आपको बाइक ऑन रोड मिल जाती है जयपुर सिटी के अंदर। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इस बाइक की की से। तो कुछ इस तरह की आपको इस बाइक की देखने को मिलती है। की के ऊपर आपको सुजुकी की ब्रांडिंग मिल जाती है। चलिए करते हैं इस बाइक की को ऑन और देखते हैं फ्रंट में आपको इस बाइक के अंदर क्या कुछ मिलने वाला है। तो जैसे ही मैं इस बाइक की को ऑन करता हूं तो फ्रंट में आपको जो LED हेडलाइट सेटअप देखने को मिलता है ये ऑन हो जाता है। LED DRL लाइट एंड LED हेडलाइट सेटअप के साथ में बाइक देखने को मिलती है। कुछ इस तरीके से आपको इस बाइक का फ्रंट से लुक देखने को मिलता है। इसके ऊपर की तरफ आपको यहाँ पे ट्रांसपेरेंट वाइजर देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको नॉन फ्लेक्सिबल हैलोजन टर्न इंडिकेटर देखने को मिल जाते हैं कुछ इस तरीके के। इस बाइक के फ्रंट में आपको दोनों तरफ बी स्ट्रॉम SX की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है कुछ इस तरीके की। एंड लुक इस बाइक का फ्रंट से काफी मस्कुलर देखने को मिलता है। बात कर लेते हैं इस बाइक के फ्रंट में सस्पेंशन की। तो इसके फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक कॉइल स्प्रिंग ऑयल डैम्प्ड सस्पेंशन मिल जाते हैं कुछ इस तरीके के। साइड में आपको दोनों तरफ इस बाइक के अंदर रिफ्लेक्टर देखने को मिल जाता है। 300 mm की डिस्क आपको इस बाइक के अंदर मिलती है। बाइब्री के कैलिबर आपको इस बाइक के अंदर मिल जाते हैं। ड्यूअल चैनल ABS के साथ में आपको बाइक देखने को मिलती है। इसके फ्रंट में टायर साइज की बात करूं तो 119-19 सेक्शन के ट्यूबलेस टायर आपको इस बाइक की फ्रंट प्रोफाइल के अंदर मिल जाते हैं। इस बाइक की साइड प्रोफाइल की बात करूं तो साइड में आपको बड़ा सा पैनल देखने को मिलता है। पैनल के ऊपर आपको SX250 की ब्रांडिंग मिल जाती है जो कि आपको स्टिकर के फॉर्म में मिलने वाली। यहाँ पे आपको सुजुकी का लोगो देखने को मिलता है, ये भी आपको स्टिकर के फॉर्म में मिलने वाला है। यहाँ पे आपको सुजुकी का लोगो मिल जाता है। इस बाइक की फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करूं तो 12 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको इस बाइक की मिल जाती है। यहाँ पे आपको सुजुकी का लोगो मिल जाता है 3D क्रोम में कुछ इस तरीके का। एंड E20 अपडेट के साथ में अब आपको 2023 में ये बाइक देखने को मिल जाती है। ड्यूअल टोन कलर की फिनिशिंग आपको इस बाइक के टैंक के ऊपर मिल जाती है। अब बात कर लेते हैं इस बाइक के इंजन। तो इसके अंदर आपको 249 cc का 4-स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर ऑयल कूल 4-बल्ब इंजन मिल जाता है जो 26.5 BHP की पावर जन करता है। 22.2 Nm का टॉर्क जन करता है। 6 गियर्स के साथ में आपको बाइक देखने को मिलती है, एक आगे और 5 पीछे। नीचे की तरफ आपको यहाँ पे इंजन कवर देखने को मिल जाता है। इस बाइक के माइलेज की बात करूँ तो ये बाइक आपको 35 से 40 का माइलेज इजीली निकाल कर देती है अगर आप इस बाइक को आराम से राइड करते हो तो। इस बाइक की सीट हाइट की बात करूँ तो 835 mm की सीट हाइट आपको इस बाइक की मिल जाती है। स्प्लिट सीट ऑप्शन के साथ में आपको ये बाइक देखने को मिलती है। अब बात कर लेते हैं इस बाइक के रियर सस्पेंशन की। तो इसके नीचे की तरफ आपको प्लेन के लिए एडजस्टेबल फुट रेस्ट मिल जाता है जो कि आपको एल्युमिनियम में मिलने वाला है। यहाँ पे आपको ब्रेक ऑयल देखने को मिलता है कुछ इस तरीके का। एंड इसके रियर में आपको स्विंग आर्म कॉइल स्प्रिंग ऑयल डैम्प्ड सस्पेंशन मिल जाते हैं कुछ इस तरीके के व्हाइट कलर में। यहाँ पे आपको टायर अगर देखने को मिल जाता है जो कि आपको छोटा सा देखने को मिलता है। नीचे की तरफ आपको 220 mm की डिस्क मिल जाती है। रियर में आपको बाइब्री के कैलिवर मिल जाते हैं। एंड इसके रियर में टायर साइज की बात करूँ तो 140-70-17 inch के ट्यूबलेस टायर आपको इस बाइक के रियर प्रोफाइल के अंदर मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके का साइलेंसर देखने को मिलता है ड्यूल एग जो। अब बात कर लेते हैं इस बाइक की रियर प्रोफाइल की। तो रियर में आपको इस बाइक के क्रोम के यहाँ पे आपको स्टैंड देखने को मिलता है कुछ इस तरीके के, जहाँ पे आप सामान वगैरह इजीली माउंट कर सकते हैं। तो ये अच्छा फीचर्स आपको इस बाइक के अंदर मिल जाते हैं। LED टेल लाइट देखने को मिलती है। सुजुकी की ब्रांडिंग आपको नीचे की तरफ मिल जाती है। नॉन फ्लेक्सिबल हैलोजन टर्न इंडिकेटर के साथ में आपको बाइक देखने को मिलती है। इस बाइक की कर्बेट की बात करूँ तो 167 kg कर्बेट के साथ में आपको बाइक मिल जाती है। अब बात कर लेते हैं इस बाइक के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की। तो इसके अंदर आपको डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलता है जिसके अंदर आपको काफी सारे फीचर्स मिलने वाले हैं कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। स्पीड लिमिट, डिजिटल क्लॉक, RPM ग्राफ, लो फील वार्निंग, ब्लूटूथ फीचर्स आपको इस बाइक के अंदर मिल जाते हैं जिससे आप इस बाइक के अंदर आप अपने SMS कॉल अलर्ट को सीन कर सकते हैं। आपको चार्जिंग पॉइंट मिल जाता है। ये अच्छा फीचर्स आपको इस बाइक के अंदर देखने को मिल जाता है। हेडलाइट लाइट, चेक इंजन लाइट जैसे फीचर्स आपको इस बाइक के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के अंदर मिल जाते हैं। आपको बटन देखने को मिलता है जैसे आप इस बाइक के ट्रिप 1 ट्रिप 2 को एडजस्ट कर सकते हो। साइड स्टैंड इंजन का टॉप आपको इस बाइक के अंदर मिल जाता है। यहाँ पर आपको इंजन क्लिप्स देखने को मिल जाता है। इस बाइक की टॉप स्पीड की बात करूँ तो 140 km/h की टॉप स्पीड आपको इस बाइक की मिल जाती है। यह था इस बाइक के स्मॉल सा रिव्यू। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे ही बाइक रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलते रहे।